सही है। तो इस एग्जांपल पे हम रन कर रहे थे, तो ये जो एग्जांपल है इसमें पैटर्न हमारे पास ये है, इनपुट इस तरह से है। तो हमने ये कहा कि जब आप इसके ऊपर इस एग्जांपल को कॉल करेंगे तो केस कौन सा चलेगा, लास्ट वाला, बिकॉज दोनों क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट के केस में हमने उसको CDR के ऊपर कॉल कर लिया, CDR ऑफ पैटर्न, CDR ऑफ इनपुट, फर्स्ट ऑफ पैटर्न यानी कार ऑफ पैटर्न, कार ऑफ इनपुट और बाइंडिंग्स। तो हमने ये कहा कि जब ये कॉल कंप्लीट होगी तो ये जो थर्ड आर्गुमेंट के अंदर ये बैट मैच कॉल हो रहा है, इसकी जगह पे टी डॉट टी आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से कॉल जाएगी पैट मैचर में, पीएम ये है, पैटर्न ये है, इनपुट ये है और बाइंडिंग, केस कौन सा चलेगा, इसे लिस्ट वाला, क्योंकि दोनों क्या है, लिस्ट है। जब दोनों लिस्ट हैं तो इस केस में कॉल जो जाएगी अब वो कॉल ये है कि पैटर्न मैचर कॉल करेंगे हम इसका रिमेनिंग, इसका रिमेनिंग क्या होगा, ये यहाँ से जो रिमेनिंग आएगा वो क्या होगा, रेस्ट, और फिर पीएम कॉल होगा नीड और नीड के ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीड नीड, ठीक है। अब आपको एक बात समझ आ गई होगी कि अब जब ये कॉल जाएगी तो दोनों अभी भी क्या है, ये इक्वल है ना, नीड और नीड इक्वल है, तो चेंज क्या आएगा, इस सारे की जगह पे टी डॉट टी आ जाएगा, दोबारा ये कॉल चली जाएगी। जब ये कॉल जाएगी तो कौन सा केस चलेगा, विरबल बी, विरबल बी चलेगा, वही वाला लिस्ट वाला, सीडीआर ऑफ एंड पैटर्न मैच है, यहाँ क्या चेंज है, क्वेश्चन मार्क एक्स, रेस और टी डॉट डी। अब जब ये कॉल जाएंगी तो स्नैरियो चेंज हो जाएगा, बिकॉज अब जो पैटर्न है वो क्या है, वेरिएबल। तो इट मींस कि इस कॉल के अगेंस्ट, चूंकि अब ये क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल है, जब ये वेरिएबल है तो यहाँ जो फंक्शन कॉल होगा वो ये वाला कॉल होगा, वेरिएबल बी ट्रू हो जाएगा और मैच वेरिएबल कॉल हो जाएगा, समझिए बात। अच्छा, मैच वेरिएबल जब कॉल होगा तो मैच वेरिएबल ने क्या करना होता है, मेंबर चेक करना होता है कि वो वेरिएबल जो है वो बाइंडिंग्स में पहले से वेरिएबल मैच तो नहीं हो रहा, यानी कि होगा यहाँ पे ये कि मैच वेरिएबल कॉल होगा किसके साथ, क्वेश्चन मार्क एक्स के साथ, रेस्ट के साथ, और वही वैल्यूज जो टी डॉट टी हैं, ठीक है। जब ये कॉल होगा तो मैच वेरिएबल क्या चेक करे, वो चेक करे कि वो जो वेरिएबल आपने पास किया वो बाइंडिंग से मेंबर तो नहीं है, एक्स पहले से बाइंडिंग में बाइंड नहीं हुआ, कहाँ पे ये डिफॉल्ट केस है, फेल जो है वो इक्वल टू नील है, यानी कि अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो यहाँ से नील रिटर्न कर दे। सो हमारे केस में मैच वेरिएबल कॉल होगा, एक्स जो है जब मेंबर चेक होगा तो बाइंडिंग में नील आ जाएगा और वही वाला केस हमारा दोबारा ट्रू हो जाएगा, एक्सटेंड बाइंडिंग कॉल हो जाएगा उसी वेरिएबल, उसी बाइंडिंग और उसी इनपुट के साथ। तो इट मीन्स यहाँ मैच वेरिएबल के बाद जो फंक्शन कॉल होगा वो फंक्शन कौन सा है, एक्सटेंड बाइंडिंग किस पे कॉल होगा, एग्जैक्टली इन्हीं वैल्यूज पे कॉल होगा, ठीक है। एक्सटेंड बाइंडिंग का काम ये होता है कि वो चेक करता है, एक्सटेंड बाइंडिंग कि वेरिएबल वैल्यू, तो सबसे पहले क्या करेगा, उस वेरिएबल को उसके साथ कॉन्स करवाएगा और चेक करेगा कि बाइंडिंग अगर डिफॉल्ट है तो वहाँ से रिटर्न इस केस में भी क्या होगा, नील ही होगा। तो एक्सटेंड बाइंडिंग यहाँ पे एक बाइंडिंग करनी है, वो बाइंडिंग क्या होगी, क्वेश्चन मार्क एक्स बाइंड विद रेस्ट, ये एक्सटेंड बाइंडिंग रिटर्न कर देगा। एक्सटेंड बाइंडिंग जब ये रिटर्न करेगा तो यही वाली वैल्यू मैच वेरिएबल के पास जाएगी, ये वाली वैल्यू मैच वेरिएबल के पास जाएगी, तो इस सारी की जगह पे आप एक वैल्यू नहीं आ जाएगी और वो नई वैल्यू क्या होगी, इस सारी की जगह, इस सारे रिजल्ट की जगह पे अब की एक नई वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू है, ठीक है,
यहाँ तक बात समझ गए। अब दोबारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला बैट मैच इस पैटर्न इस इनपुट और इस बैटिंग के साथ। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो दोबारा से आप यहाँ आ जाएंगे, लिस्ट है तो लिस्ट वाला केस चलेगा, सी डी आर ऑफ पैटर्न सी डी आर ऑफ इनपुट एंड बाइंडिंग। जब इसका सी डी आर लेंगे तो बताएं क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ से सी डी आर जब लेंगे तो ये चेंज आएगा, इधर ये चेंज, और यहाँ क्या होगा, पी एम दोबारा कॉल होगा। सी डी आर का मतलब होता है फर्स्ट के अलावा बाकी वैल्यू, पहली वैल्यू ये है ना, इसको रिमूव कर देंगे, इसको पैट मैच दोबारा कॉल हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ पैटर्न फर्स्ट ऑफ इनपुट एंड बाइंडिंग के साथ। ऐसे ही है, पहले ये कॉल होगा, जब ये कॉल होगा तो दोनों क्या है, इक्वल है। कौन सा वाला केस चलेगा, इक्वल वाला केस चलेगा। रिटर्न क्या होगा, बाइंडिंग रिटर्न होगा। बाइंडिंग रिटर्न होने का मतलब यह है कि इस सारी कॉल के अगेंस्ट जो रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा कि इस पैट मैच के रिजल्ट के तौर पे यहाँ ये वैल्यू पास हो जाए एज अ बाइंडिंग। अगेन पैटर्न ये है, इनपुट ये है और बाइंडिंग्स, कौन सा वाला केस चलेगा, लिस्ट वाला केस, बिकॉज दोनों अभी भी क्या है, लिस्ट हैं। जब दोनों लिस्ट हैं तो क्या होगा इस केस में, पैटर्न मैच कॉल होगा। आप जब इसका सीरियल लेंगे तो एम्प्टी, इसका सीरियल लेंगे तो एम्प्टी, और यहाँ दोबारा कॉल होगा पैटर्न मैच किस पे, क्वेश्चन मार्क वाई पे और हेल्प के साथ, ठीक है। कुछ हो ये बाइंडिंग ही है सारा, बाइंडिंग्स में, हाँ यहाँ बाइंडिंग में आ जाएगा टी डॉट टी, सॉरी बाइंडिंग में आप ये वैल्यू है। ये चीज पैटर्न मैचर पैटर्न इनपुट ऑफ बाइंडिंग। अब जब ये कॉल जाएगी तो कौन सा वाला केस ट्रू होगा, वेरिएबल पी और मैच वेरिएबल कॉल हो जाए, ठीक है। अब इस केस में फंक्शन कॉल होगा, मैं इसी सारे को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज थर्ड आर्गुमेंट में यहाँ इसकी जगह पे पहले कॉल होगा मैच वेरिएबल। जब मैच वेरिएबल कॉल होगा तो अब ये कॉल होगा क्वेश्चन मार्क वाई के साथ, यहाँ पे क्या आएगा हेल्प के साथ, और यहाँ जो टी डॉट टी है अब इसकी जगह टी डॉट टी नहीं है बल्कि इसकी जगह है एक्स डॉट रेस्ट, ठीक है। जब ये मैच वेरिएबल कॉल होगा तो मैच वेरिएबल एक्सटेंड बाइंडिंग को कॉल करता है, एक्सटेंड बाइंडिंग को कॉल करेगा जब तो किसके साथ कॉल करेगा, वाई के साथ हेल्प के साथ, और ये जो सारी वैल्यू है इसकी जगह क्या वैल्यू है एक्स डॉट रेस्ट। अब जब एक्सटेंड बाइंडिंग कॉल होगा, एक्सटेंड बाइंडिंग क्या करता है, वो कहता है कि जो नया वेरिएबल है उसको वैल्यू के साथ बाइंड करो, और अब बाइंडिंग वेरिएबल के अंदर बाइंडिंग वेरिएबल के अंदर टी डॉट टी नहीं है, अब बाइंडिंग में क्या आ रहा है वैल्यू है। अब जब नहीं है तो वो कहता है जो भी बाइंडिंग है वही वापस क्या कर दो, रिटर्न कर दो, और जो नई बाइंडिंग आ रही है उसको बाइंड करके उस बाइंडिंग के अंदर क्या कर दो, कौन कर दो। इट मीन्स जो एक्सटेंड बाइंडिंग है इसने करना ये है कि ये जो बाइंडिंग आपके पास पहले से है इसी बाइंडिंग के अंदर कौन सी करनी है नई बाइंडिंग, और नई बाइंडिंग क्या है क्वेश्चन मार्क वाई डॉट हेल्प, ये नई बाइंडिंग बनती है, ये रिटर्न होगी किसको, एक्सटेंड बाइंडिंग, एक्सटेंड बाइंडिंग मैच वेरिएबल को, मैच वेरिएबल यही वाली वैल्यू किसको रिटर्न करेगा, इस पी एम को कॉल कर सेंड कर दे। इस पी एम को सेंड करने का मतलब यह है कि इस सारी कॉल के अगेंस्ट एक नई बाइंडिंग आ चुकी है, वो बाइंडिंग क्या है दिस वन, ठीक है। अब पैट मैच कॉल होगा, पैटर्न इनपुट
दोनों क्या है? नील है। नील का मतलब है दोनों कंडीशन कौन सी ट्रू होगी? इक्वल वाले। क्या रिटर्न होगा जब बाइंडिंग्स रिटर्न होगा? तो इस वाले कॉल ने रिटर्न क्या करना है? बाइंडिंग्स। बाइंडिंग्स में अब क्या वैल्यू है? ये सारी ये कॉल यहाँ जाएगी, इसी तरह ये यहाँ से यहाँ जाएगी, और करते करते ये कॉल वापस कहाँ जाएगी? ओरिजिनली इसके पास। इट मीन्स ये जो पैटर्न मैचर था, इस पैटर्न मैचर ने जो रिजल्ट आपको दिया है वो रिजल्ट क्या है? कि ये वो बाइंडिंग्स हैं जो पॉसिबली बनती हैं। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो बाइंड होना था रेस के साथ, जो रेस के साथ बाइंड हो चुका है, और वाई जो है वो बाइंड होना था हेल्प के साथ। सही है, समझ में बात? अब कर लेंगे बाइंडिंग। हाँ, वो नेक्स्ट हमारा फेज होगा। अभी हम तो पैटर्न मैचिंग के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। कौन से? अभी तो हम इनपुट के अगेंस्ट एक खुद से पैटर्न पास करें। बाद में हम क्या करेंगे कि इनपुट के अगेंस्ट एक पैटर्न से मैच नहीं करेंगे, मल्टीपल पैटर्न से। पहले फर्स्ट के साथ कॉल करेंगे, अगर मैचिंग ना हो तो नील आ जाएगा। अगर नील आ जाएगा तो फिर दूसरा पैटर्न उठा लेंगे, उसके साथ मैच करेंगे, और डेटाबेस के अंदर जितने भी पैटर्न पड़े हुए हैं उन सब के साथ वन बाय वन तब तक मैच करते रहेंगे जब तक कोई पैटर्न मैच नहीं होता। समझ गए? मुश्किल है,